दही बड़ा बनाने के लिए हमें ये उड़द की दाल चाहिए। ये आप देख सकते हैं उड़द की दाल है, मैंने इसे ओवरनाइट भिगा दिया। ये मैंने 250 ग्राम लिया और ये हमारा मूंग का दाल है धुली हुई, ये मैंने 100 ग्राम लिया। ये दोनों को ही मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया। अब हम इसे एक मिक्सर लेंगे और उसमें पीस लेंगे। ये मैंने मिक्सर ले लिया और उसमें ये दालें ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है क्योंकि मैंने इसका पानी छान लिया। तो आप इसमें पानी डाल के ना पीसें, इसे बिल्कुल सूखा ही पीस लें। तो इस तरीके से आप डाल के पीस लें। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा उड़द का दाल पीस लिया। मैंने इसे एक बड़े बर्तन में पलट लिया। आप भी इसी तरीके से कोई बड़ा बर्तन लें और उसमें पलट लें। और ये हमारा मूंग दाल है, आप देख सकते हैं इसे भी मैंने बारीक पीस लिया। अब इसे भी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। हमने ऐड कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक और इसे अच्छे से फेंट लेंगे इस तरीके से। तो आप ये देख सकते हैं आप इसे इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में फेंटते रहें। लगभग 10 मिनट तक आप इसे फेंटें और उसके बाद बिल्कुल हल्का हो जाएगा हमारा पेस्ट। तो समझिए कि हमारा पेस्ट रेडी है। तो चलिए फेंट लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसे तकरीबन 10 मिनट तक हाथ से फेंट लिया है। इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो चुका है। तो चलिए इसे आप फ्राई कर लें। सकते ये हमारा पेस्ट है दाल का, उड़द दाल का। और ये हमने एक भगोने में पानी ले लिया। अब चलिए फ्राई कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मैंने कढ़ाई ले लिया, इसका तेल बिल्कुल हाई गर्म हो चुका है। आप इस तरीके से पानी में हाथ को डिप करें और इस तरीके से अपना डो ले लें और इस तरीके से ऑयल में छोड़ दें। और इसको करने के बाद आप इसके ऊपर इस तरह से तेल प्रेस करें ताकि आपका जो बड़ा है वो अच्छी तरीके से फूल जाए। मैं देख सकती हूँ इस तरीके से देखें कितनी अच्छी तरीके से हमारा बड़ा फूल गया। अब सभी को इसी तरीके से कर लेंगे। फिर से दूसरा रो ले लेंगे और मीडियम फ्लेम और इसके ऊपर ऑयल डाल। तो आप देख सकते हैं आपके कढ़ाई में जितना जगह हो आप उतना देख सकते हैं। ये हमारा ब्राउन हो चुका है, गोल्डन ब्राउन। अब हम इसे सभी को निकाल लेंगे तरीके से। सभी को आप निकाल लें। आप देख सकते हैं ये हमने जो पानी लिया था वो ये बड़ा तेल से निकालते ही डायरेक्ट पानी में ऐड कर देंगे, इसे डिप कर देंगे। इसे करीब तकरीबन 1 घंटा तक पानी में भिगा के रखेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे कि हमारे बड़े जो है अच्छे से पानी सोख ले और अच्छा से फूल जाए। अभी ये छोटे छोटे हैं, जब ये पानी सूख जाएगा सोख कर लेगा तो ये डबल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये मैंने दही लिया, इसे अच्छे से मैंने फेंट लिया और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच चीनी। ज़्यादा मीठा नहीं करेंगे, हल्का सा मिठास के लिए ये मैं 1 चम्मच चीनी ऐड कर दूँगी। आपको अगर पसंद है तो आप इसमें ऐड करें, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ऐड मत करें। हमें इसमें मीठी दही अच्छी लगती है, हल्की मीठी दही दही बड़ा में। और इसे कर लेंगे मिक्स इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं तकरीबन ये 1 घंटे के करीब हो चुका है, लेकिन अभी पूरा 1 घंटा नहीं हुआ, लेकिन मुझे जल्दी है इसलिए मैं ऐसे फटाफट बना लूँगी। आप देख सकते हैं ये हमारा इतना स्पॉन्जी है और ये डबल हो चुका है। तो आप इसी तरीके से बनाएं। तो इसका हम पानी इस तरह से दबा के निकाल लेंगे, हल्के हाथों से पानी निकाल रहे हैं और इसे ज़्यादा एकदम ज़ोर से ना निचोड़े वरना ये टूट जाएगा बड़ा। और इसे हम एक प्याले में डाल लेंगे, ये आप देख सकते हैं। एक और ले लेंगे।
इस तरीके से हल्के हाथों से दबा के इसे एक प्याले में आपको जिसमें सर्व करना है आप उसमें निकाल लें। ये आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं मैं आपको इसे बीच से कट करके दिखा देती हूँ कि कितनी इजीली कट जा रहा है और ये कितना जालीदार और स्पॉन्जी बना है हमारा दही भल्ला। आप देख सकते हैं एकदम स्पॉन्जी और एकदम सॉफ्ट बना है। चलिए अब इसे हम सॉफ्ट कर लेते हैं। हम इसके ऊपर जो हमने अपनी दही मिक्स की थी वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरीके से। खूब सारा दही डालें, जब ही खाएं जब खूब सारा इसके अंदर दही डाल दें। और ये हमारा इमली का चटनी है, मैं इमली की चटनी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी डाल दूंगी। तो ये आप इमली इसके ऊपर इस तरीके से डालें। इमली के बिना दही बड़ा खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं है, तो आप इसके ऊपर इमली ज़रूर डालें। इमली की चटनी इतना बढ़िया फ्लेवर आएगा इमली की चटनी से। और हम ये इस पर डाल देंगे ये हरी चटनी, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। ये हमने पुदीना और हरा धनिया की चटनी इसमें इस तरीके से ऐड कर दिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, ये मैं एक चुटकी डालूँगी इसके अंदर जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, ये आप देख सकते हैं। और एक चुटकी साथ में मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चाट मसाला, चाट मसाला डालने से बहुत ही तीखा मीठा और ये चटपटा बन जाता है। तो आप इसी तरीके से आप बनाएं और खाएं। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा दही बड़ा बनके रेडी है, कितना बढ़िया इसका लुक आया। आप इस तरीके से बना सकते हैं और फैमिली को खिला सकते हैं। ये स्पेशल मैंने ईद के मौके पे बनाया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।